अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में अभिनंदन कॉलोनी और गोकुल नगर कॉलोनी के तीन कॉलोनाइजर पर कोतवाली थाने पर मामला दर्ज किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल बड़वानी सुशासन अभियान के तहत अवैध कॉलोनाइजर पर जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बड़वानी नगर पालिका CMO कुशल सिंह डुडवे द्वारा शहर की दो कॉलोनी अभिनंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर दिलीप जैन और गोकुल नगर कॉलोनी के शंकर चौधरी और बाबू सिरवी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। नगरपालिका CMO कुशल सिंह डुडवे का कहना है कि कलेक्टर साहब के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी धनश्याम धनगर ने कॉलोनियों की जांच की गई थी, जिसमें कई विसंगतियां पाई गई, जिसके चलते कॉलोनाइजर पर FIR करवाई गई है। ये अभी कलेक्टर साहब के निर्देशन पे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने एक जांच की थी कॉलोनियों की। उसमें विभिन्न कॉलोनियों पे पहले भी FIR दर्ज हुई, आज दो कॉलोनाइजरों पे पुनः FIR दर्ज कराने के लिए आए। ये सेगांव के निवासी हैं दोनों। तो अभी हम लोग पूरे दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए हैं और दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR की जा रही है। ये कॉलोनाइजर का नाम है शंकर पिता चेना और एक का नाम है बाबू पिता भागा सिरवी है। उनकी कॉलोनी में अव्यवस्थाएँ पाई गई है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और इस प्रकार की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हो गए। TI राकेश यादव के मुताबिक कॉलोनाइजर द्वारा नियमों के विरुद्ध कॉलोनी काटी गई है। इस मामले में कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये अभी नगर पालिका CMO श्री कुशल सिंह डुडवे जो है कलेक्टर साहब के द्वारा जो जांच कराई गई थी वो पूरी जांच रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और इनके द्वारा जो दिलीप जैन निवासी बड़वानी है इसके द्वारा एक अभिनंदन नगर नाम से कॉलोनी विकसित की गई थी और इस कॉलोनी में करीब 1.5 एकड़ जो एरिया है उसमें करीब 50 भूखंड इनने दिलीप जैन ने बनाकर बेचे हैं। इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, TNC से कोई अनुमति नहीं है, डेवलपमेंट की अनुमति नहीं है और इसका डाइवर्शन भी नहीं कराया गया है और पूरे इसमें नियमों का उल्लंघन करके कॉलोनी अवैध रूप से लोगों को झूठी जानकारी देकर जो है ये कॉलोनी डेवलप की गई है और उनसे पैसा वसूल किया गया है, जो इनके खिलाफ धारा 420 467 468 IPC और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और टाउन एंड कंट्री एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक और कॉलोनी के खिलाफ मामला इसी प्रकार से जो ये मामला है इसी प्रकार से एक गोकुल नगर नाम से कॉलोनी बड़वानी में विकसित की गई है। इसमें शंकर चौधरी और बाबू सिरवी दो नाम बताए जा रहे हैं। इन्होंने जो है करीब 0.538 हेक्टेयर ज़मीन जो है उस पर कॉलोनी विकसित की है और वो भी जो कॉलोनी है पूरी तरह अवैध है। इसमें किसी प्रकार की TNC की अनुमति नहीं है, ना ही डाइवर्सन की अनुमति ली गई है, 165 की अनुमति नहीं है इसमें और पूरी तरह से लोगों को गलत जानकारी देकर बिगड़ अवैध कॉलोनी को वैध बताकर इनके द्वारा बेचकर उनसे लाखों रुपए वसूल किए गए हैं, जो जाँच के पश्चात जो है CMO साहब की उस पर रिपोर्ट के कहने पर ये धारा 420 467 468 IPC और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और ग्राम और नगर निवेश अधिनियम के तहत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ। बड़वानी में चल रहे सुशासन अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा शहर में अवैध कॉलोनी की जांच कर कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News बड़वानी।